वेलकम दोस्तों, स्वागत है सभी। सुबह सुबह का टाइम और भाई पहुंचे हुए हैं अपने बिहार के बॉर्डर पे भाई, और देख लो वहाँ पे भाई पापा बात करने के लिए गए हैं। और भाई यहाँ पे भी वसूली जारी है, मतलब चालू है दोस्तों वसूली। यहाँ पे भाई एक भाई है वर्दी में और भाई वो अपना पैसा लेके छोड़ रहे हैं, देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम। अभी तो भाई अपन पास करने वाले यहाँ पे, अभी सुबह सुबह भाई 7 से 8 बज रहा होगा टाइम पे, अभी देखा नहीं हूँ मैं, देख सकते हो भाई वो हाथ लगाए। चलो भाई अपने तो पार हो गए, हाइट का मुझे लगा था भाई कटेगा यहाँ पर भी, लेकिन भाई कटे नहीं, 700 रुपये लिया भाई, छोड़ दिया भाई हमें, नहीं तो भाई ऐसे 2500 रुपये हाइट का कट जाता फाइन। तो वेलकम दोस्तों, आ गए अपने बिहार में और जा रहे हैं भाई यहाँ का बिहार का व्यू आपको दिखाते हैं। और दोस्तों हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा भाई कि मतलब यूपी को कर दिए थे क्रॉस वाराणसी, और भाई अपना बॉर्डर भी पार कर लिए बिहार का। तो भाई वेलकम टू बिहार फिर से आपको, और भाइयों आपका यहाँ का व्यू भाई अभी मोहनिया पहुँचने वाले हैं जस्ट, और मोहनिया पहुँच के भाई अपने लेफ्ट मारेंगे, और लेफ्ट मार के भाई अपना कोचस दिनारा होकर जाना है। और भाई रात भर पूरा ड्राइव करके, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा तो देखा भाई, उसमें मालूम चल गया होगा, रात भर ड्राइव करके भाई पहुँच गए अपने बिहार के अंदर भाई। तो यहाँ का कुछ व्यू आप देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए वीडियो को। तो भाई वो ये रोड है भाई जीटी रोड भाई, जी सीधे अपना दिल्ली टू कोलकाता मेन हाईवे है भाई, इस इधर तो हमें जाना नहीं है भाई, ये सीधे अपना सासाराम की तरफ लेके चला जाएगा, हमें तो जाना भाई यहाँ से लेफ्ट मार के कोचस दिनारा होके। और भाई ये अपना रोड आ गया कोचस दिनारा वाला भाई रोड, मलियाबाग होके भाई आ रहा होते हुए भाई हमें पटना लेकर जाएगा। और यहाँ का कुछ भाई कुछ व्यू आप देख लीजिए और वीडियो करते रहिएगा लाइक दोस्तों, वीडियो के साथ इंट तक जरूर बने रहिएगा। ये रहा भाई यहाँ का कुछ सीन, हमारा बिहार भाई, यहाँ से अपना गांव बहुत ही कम दूरी पे पड़ता है, वहाँ से मतलब दोस्तों की 100 से 120 किलोमीटर आगे पड़ता है। अभी भी आ जाइए दोस्तों, यहाँ से पटना 200 किलोमीटर के आसपास है, देख सकते हो भाई ये रोड, ये कोचस है भाई। और भाई वो ये आ गया अपना दिनारा भाई, जो कोचस दिनारा वाला रोड इसको बोलते हैं। और भाई यहाँ का व्यू ना ये देख लो भाई यहाँ पे, और भाई ये देखो पूरा धान का खेती, पूरा ही यहाँ पे धान का खेती आपको दिख रहा होगा यहाँ से वहाँ तक, बिकॉज भाई यहाँ से पूरा चावल ही जाता है अपना एमपी में, एमपी महाराष्ट्र में भाई यहाँ से चावल ही मतलब जाता है, मोहनिया भाई यहाँ माल जाएगा और मोहनिया से भाई अपना एमपी तक जाता है ये चावल। और ये आ गए भाई वो मलियाबाग भाई इसको बोलते हैं, और भाई यहाँ से अपना घर करीब भाई 15 से 20 किलोमीटर आगे है, लेकिन भाई अब घर नहीं जा सकते अपन क्योंकि भाई अपने जी को जाना है डायरेक्ट भाई पटना, माल खाली करना है। और भाई मतलब इतना मतलब हाइट की वजह से भाई, नहीं तो घर तो भाई चले ही जाते, वैसे भाई रुकना ही है। तो भाई यहाँ पर देखो भाई डुमराव भाई 25 किलोमीटर भाई लिख रहा है यहाँ से, और भाई बक्सर 44 किलोमीटर लिख रहा है, तो यहाँ से भाई अपना गांव तो 15 से 20 किलोमीटर लगभग होगा। खैर दोस्तों अपना खाली करके तो गांव पे ही जाना है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल दोस्तों अपना मलियाबाग क्रॉस करते हैं, अभी भी दोस्तों ये 4 लाइन का काम चल रहा है यहाँ पर अभी रोड का। अभी भाई यहाँ पर होटल पर भाई रुकने वाले हैं ब्रश वगैरह करने के लिए, तो आपको यहाँ पर उतर के भाई आपको बताते हैं यहाँ का व्यू। तो वीडियो के साथ बस दोस्तों बने रहेगा और वीडियो करते रहेगा लाइक।
सो दोस्तों पहुंच गए हैं, अभी 8:30 हो चुका है भाई सुबह सुबह का, और भाई पहुंच गए मलियाबाग। मलियाबाग पता है दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों 100 किलोमीटर पहले पीछे है दोस्तों पटना से। तो यहीं पे भाई पहुंच गए, और भाई यहीं पे ब्रश वगैरह करने के लिए रुके हुए हैं, छोटी सी होटल है यहाँ पे। और भाई ब्रश वगैरह करके यहाँ से निकलेंगे भाई, निकलेंगे कहाँ, रुकना पड़ेगा भाई लगता है आराम में, नो एंट्री रहता है भाई, रात को वहाँ से छूटते ही नहीं, तो भाई आज ही पहुँच जाते। 100 किलोमीटर भाई 3 से 4 घंटे का रास्ता था भाई। मैं टायरों को अपना चेक कर रहा था अभी, देखो मतलब यार सब कुछ सही रहे तो भाई यार पहुँचने में टाइम नहीं लगता है। देखो आज तीसरा दिन है। और भाई वो यहाँ से क्या कुछ देख लो भाई, यहाँ का कुछ ये रहा सीन, ये रही भाई चिमनी वहाँ सामने है जो भाई ईंट बनाती है, और पता नहीं ये कौन सा होटल है, होटल का नाम भी नहीं है। छोटा भाई वो छोटा मोटा होटल है भाई, यहीं पे गाड़ियाँ रुकी थी तो भाई सोचे कि चलो ब्रश वगैरह कर लेते हैं जो भी है। और यहाँ का खेती तो कब बोली है मत, जैसा कि मैंने पहले बताया भाई यहाँ से चावल बहुत सारा जाता है बाहर, और धान की खेती चारों ओर से भाई की गई है, चावल जिससे निकलता है भाई। नहीं रहा था भाई कि इतना मतलब पंचर तंग करेगा टायर, ऐसा लग रहा था भाई जो अपना टायर ये है ना ये वाला जो पूरा कमज़ोर था, देखो अभी टन टन कर रहा है भाई, वही जो भाई काम करवाए थे वापी में और उस दिन, उसी का भाई नतीजा है कि कोई टायर का नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो भाई अलाइनमेंट का काम करवाए थे भाई, जो अपना टायरों के बीच का जो गैप होता है ना दोस्तों, ये वाला इधर का ये बाहर भाग गया था, ये अंदर चला गया था, इसीलिए भाई ये टायर खा रहा था। देखो इतना टायर खा चुका था, अब भाई टायर नहीं खाया है। 1800 किलोमीटर भाई आ गए लेकिन भाई टायर बिल्कुल भी नहीं खाया है, तो वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। नहीं तो भाई वो पिछला भाई टायर चार उड़ा था भाई, वो चार उड़ता भी नहीं। यही भाई नुकसान है पाटे वाले का काम करवाए थे भाई, वो पाटा वाला अच्छा काम नहीं किया था, इसीलिए भाई अपना टायर का नुकसान हो गया था उस टाइम पे। और ये भाई माल का देखो, जो भी देख रहा है भाई वो बोल रहा है कि ऐसे गाड़ी कैसे माल लोड की हो, एक बार तो भाई नज़र इस पर जा ही रहा है। उस साइड में भाई पूरा माल हो गया है ये देखो। ओके दोस्तों ब्रश वगैरह तो हो गया भाई, और 9:30 हो चुका है अभी। भाई पार्टी के पास कॉल किए थे, और भाई थका के भाई भाग भगा के भाई गाड़ी लेकर आए यहाँ पे, और भाई कॉल किए पार्टी के पास कि खाली करोगे माल, वो बोल रहा है कि आज तो संडे है भाई, आज खाली नहीं होगा, और वैसे भी भाई आराम में नो एंट्री रहने का चांस है, तो इसीलिए भाई यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो यहीं पे भाई वेट कर लेते हैं, स्नान वगैरह जो भी है 200 करना होगा वो कर लेते हैं आराम से, और भाई आराम से निकलेंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। ये सीन है भाई, मतलब आज तो पहुँच ही गए मान लीजिए कि, और 3 से 4 घंटा लग रहा था पटना पहुँच जाते भाई, तो मतलब आज कंफर्म है भाई मतलब पहुँच गए रह जाते अगर ये सीन नहीं रहता कि माल आज खाली नहीं होगा। ऊपर से चले भी जाइए दोस्तों पटना अभी ना, तो कोई वो ऐसा नहीं है कि मतलब खड़ी करने के भी भाई वहाँ पे दिक्कत होती है, ट्रैफिक की भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए भाई यहाँ। तो चलिए दोस्तों स्नान वगैरह कर लिए भाई, अभी टाइम आपका 10 बजने वाला है, और भाई यहाँ से निकल गए, और भाई आगे जाके कहीं पे खाना पीना करेंगे, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है वहाँ का। भाई वो आगे जगदीशपुर, और जगदीशपुर आके भाई लिट्टी चोखा, भाई अपने गांव पे आए और बिहार में आए भाई और लिट्टी चोखा ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो ऐसे भाई लिट्टी चोखा ले लिए हैं, और साथ में भाई सब्जी लिए हैं, जा रहे हैं भाई गाड़ी के पास। यही भाई आज का हमारा खाना रहेगा, यही खाना करेंगे दोस्तों। भाई यहाँ पे साइड में लगा के गाड़ी ले आके खड़ी दी कर दी है, देख लो 4 लाइन पे बहुत दूर से भाई, वहाँ से भाई ट्रेलर आ रही है, उधर से हम लोग आए हुए हैं, मतलब वहाँ से भाई छोड़ के हमें उतार के भाई इधर आके लगा दिए गाड़ी को। 10 लिट्टी ले लिए हमने, 60 रुपये का भाई, 6 रुपये का लगा दिए, पिछली बार 5 ही रुपये का था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पेट भर खाना हो जाएगा हमारा। ऐसे वो बात 40 से 50 रुपये, 50 से 60 रुपये भाई यहाँ पे थाली खाना मिल जाता है, पूरा चावल दाल सब कुछ भाई खाना, अपने गांव या बिहार में भाई कोई दिक्कत वाली वैसी बात नहीं है भाई। वो एक बात है, गाड़ी को जो भी देख रहा है बोल रहा है कि माल तुम्हारा पलट जाएगा
चलो भाई खाना करते हैं आराम से। और ये भाई सब्जी, और ये भाई लिट्टी रहा अपना, और ये भाई चोखा, और भाई कांदा काट लिए भाई, इसको खाना करते हैं इससे। तो खाना करके उसके बाद आपको व्यू दिखाते हैं भाई, बहुत ही बेस्ट लग रहा है, देख सकते हो भाई। तो ओके दोस्तों, खाना पीना तो हमारा हो गया भाई, और यहाँ से भाई निकल गए आरा के लिए, देखते हैं भाई कहाँ तक जा पाते हैं अभी। और देख लो भाई, ये चिमनी है भाई जहाँ पे ईंट बनता है भाई, ये देखो पूरा आपका पूरा चिमनी भाई, बिहार के अंदर बहुत सारा चिमनी मिल जाएगा। दोपहर का 1 बज चुका है और भाई यहाँ पे आके रोक दिया भाई यार, आपसे बहुत पहले ही रोक दिया है पे नो एंट्री के लिए, पुलिस वाला आगे खड़ा है और बोल दिया भाई नो एंट्री है आरा में, अभी मत जाओ। तो क्या करेंगे भाई, अभी यहीं पे रुकने वाले हैं हम, और भाई सोने वाले हैं, थोड़ी बहुत नींद भी लग रही है। और आप लोगों के लिए भाई कल का वीडियो भी आप दोस्तों आरा पे रुके हुए थे भाई सुबह में, मतलब 12-1 बजे पहुंच गए थे, और भाई अब यहाँ से निकल के चुक रहे हैं, रात का बज गया भाई 7:30, और भाई शायद नो एंट्री खुल जाए। यहाँ पे भाई खाना पीना कर लिए भाई, रोटी और सब्जी भाई ले आए थे। चलो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, आपको पटना घुमाते हैं, वीडियो का बने रहेगा लास्ट तक। निकलते हैं, पता नहीं आरा में कितना बजे तक नो एंट्री रहता है, खुलता है कि नहीं अभी देखते हैं भाई। एक दो गाड़ी गई है, ये भी चालू हो गई है शायद हम लोगों को देख के। भाइयों यही मेन है जहाँ पे नो एंट्री रहता है, अभी फ़िलहाल 7 बजे यहाँ पे खुल चुका है, और थोड़ा बहुत जाम ट्रैफिक जाम दिख रहा है। बिकॉज गाड़ियाँ वहाँ से छूट चुकी है सभी, उधर से आने का ऐसा नो एंट्री नहीं है, फिर भी उधर से गाड़ियाँ जाम चल रही है, पता नहीं क्यों भाई। और भाई ये आरा का एनआईट एरिया आप घूम रहे हो, एनआईट इसको बोलते हैं भाई। और भाई हो ये देखो इतना जाम, सुबह से तो कम ही है, यहाँ पे टेम्पू वगैरह लगी रहती है, बिकॉज भाई ये है रेलवे स्टेशन आरा का, और यहीं से भाई रेलवे स्टेशन निकल जाता है सासाराम के लिए। पूरा भाई मतलब 2 साल पहले आया था भाई रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, यहाँ पे पूरा चेंज हो गया, पहले ये सब नहीं था रूम वगैरह कुछ भी। और भाई मैं यहाँ पे रह भी चुका हूँ, मतलब 2 साल भाई, 1.5 से 2 साल भाई यहाँ पे स्टडी किया हूँ रह के आरा में, ये घर से भाई हमारे 40 किलोमीटर आगे पड़ता है भाई। और भाई आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका घर कहाँ पड़ता है भाई, हमारा घर अब ब्रह्मपुर है भाई, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नया ब्रिज वन वे, इधर से भी भाई आते हैं अपन गांव की तरफ बक्सर साइड, ये ब्रिज बन जाने के कारण भाई नो एंट्री अब नहीं लगती है, तो भाई 8 बजे दोनों तरफ से गाड़ी अब छोड़ती थी। चलो भाई अपना कोइलवर ब्रिज जो भाई नया बना हुआ है, इसी पे भाई क्रॉस करेंगे, नहीं तो भाई यहाँ पे भाई भयंकर जाम लग रहा था पहले, कोइलवर ने ब्रिज नहीं बनने के कारण भाई। तो अभी तो भाई फिलहाल जाके भाई पटना में आपसे बात करते हैं। तो भाई ओ वेलकम टू पटना भाई, पटना पहुँच गए भाई, कोइलवर से भाई 40 किलोमीटर आगे था जैसे कि आप लोगों ने बोर्ड में देखा भी होगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों नाइट व्यू यहाँ का, हमें तो जाना है भाई अपना अनिसाबाद की तरफ भाई, वहाँ पे आगम कुआ भाई वहाँ का पहला माल है, दूसरा भाई अपना माल उधर पटना साहिब गुरुद्वारे की तरफ भाई माल दूसरा है। तो देखते भाई यहाँ का भाई आप नाइट व्यू देखिए, फिलहाल जाम वगैरह थोड़ा बहुत है, अभी तो दोस्तों बज चुका है 9 और यहाँ का व्यू ये रहा। तो दोस्तों वीडियो करिए एंजॉय, हम यहाँ पे दोस्तों सॉन्ग जोड़ देंगे एडिटिंग के वक्त वीडियो के साथ दोस्तों, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक करते रहिएगा दोस्तों वीडियो को।
सो दोस्तों अभी पहुंचने वाला है भाई जहाँ पे माल हमें खाली करना है भाई फर्स्ट बार, और हमको जैसे पहले मैं बताया भाई वहाँ पे पहुंचना है। तो अभी भाई यहाँ से लेफ्ट मारने वाले हैं हम। और भाई ये देखो पटना का ट्रैफिक पुलिस भाई सबसे भाई ख़राब पुलिस का भाई यहाँ पे भाई रिकॉर्ड है भाई, मतलब 15 मिनट टाइम है और भाई चारों तरफ 9 बजे भाई नो एंट्री खुलता है, लेकिन भाई यहाँ पे गाड़ी रोक के भाई परेशान किया जा रहा है हमें, और भाई डंडा से पीट रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ से निकलो नहीं जाने का है, नो एंट्री है। जबकि भाई चारों तरफ भाई पटना के अंदर भाई 9 बजे भाई नो एंट्री खुलता है, यहाँ पे भाई वापस से घुमा दिए हम, बोले भी भाई कि इतना हाइट गाड़ी है इतना ट्रैफिक है कैसे मुड़ पाएगी, लेकिन भाई परेशान करने के लिए झुटपुर का मतलब 15 मिनट से क्या होता है भाई, वैसे भी 10 बजे खुलता है बोल रहे हैं तो 10 बजे से। और भाई आप 200 रुपये भाई एंट्री दोगे तो मतलब नो एंट्री नहीं है भाई, ब्रिज के नीचे से मुड़ा के लाओ लेके जाओ भाई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भाई। सबसे बड़ी बात तो भाई यहाँ पे मुड़ाने का दिक्कत है फिलहाल दोस्तों, अभी क्या कर सकते हैं, चलो हमेशा का भाई यही दिक्कत है, मतलब हमें सिटी में थोड़ी नहीं जाना है, हमें भाई गोडाउन पे जाना है, गोडाउन भाई सिटी से बहुत पहले है, और भाई यहाँ पे ज़बरदस्ती रोकते हैं, जब भी आओ भाई यहाँ पे रोक ही देते हैं हमेशा, क्या कर सकते हैं भाई। चलो फिलहाल अभी पार करते हैं भाई, अभी 15 मिनट का भाई घुमाने में तो 20 से आधा घंटा लग जाएगा, इसीलिए भाई घुमा के भाई वापस से अपना गोडाउन के पास ले जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आपको बात करते हैं आपसे दोस्तों। तो भाई वो फाइनली अभी 10:15 हो चुका है और भाई पहुंच गए गोडाउन के पास, अभी रात का भाई दोस्तों खड़ी अपनी गाड़ी देख लो, पूरा माल इधर आ गया है, बहुत ज़्यादा भाई मतलब लास्ट कंडीशन में ही चल रहा था इसका माल। तो सुबह दस बजे का इंतज़ार करते हैं, माल खाली होगा भाई सुबह, और देखते हैं भाई कितना टाइम और लगता है मतलब माल खाली करने में। 10 बजे तो भाई गोडाउन खुलेगा यहाँ पे, और 10 बजे के बाद भाई जब तक यहाँ पे खाली करके छोड़ देंगे तो भाई कल शायद ड्रम वाला भी माल दूसरा भी माल खाली हो जाए, अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि भाई कल रात को हो सकता है घर चले जाएँ अपने। और भाई वो 28 तारीख को अपने रात को भाई निकले थे 10:30 बजे, और भाई 10:15 पर यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप सोच सकते हो भाई अंदाज़ा लगा के और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कितना टाइम लगा हमें यहाँ पहुँचने में, और भाई वो तो हिसाब किताब आपको कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा कितना खर्चा लगा, कितना टोल नाका लगा, कितना बॉर्डर लगा, कितना भाई RTO लगा, सब भाई डिटेल आएगी आप लोगों की अगर मतलब बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आप सोच सकते हो कि 28 तारीख को भाई 10:30 रात को छोड़ वहाँ से निकले थे सूरत से, और भाई सूरत से निकलने के बाद करीब सूरत से भाई 1600 किलोमीटर दिखा रहा था, जबकि वापसी से भाई 1800 किलोमीटर के लगभग आ जाता है, ऐसे भाई वो छोटी कारों का भाई रूट है जो मैप पे दिखाता है, जबकि हमारा भाई ट्रक है, कहीं भी भाई वो शॉर्टकट नहीं मारना है, जबकि दोस्तों कार शॉर्टकट मार के चले जाते हैं, तो लगभग भाई 1800 किलोमीटर हम लोग पकड़ कर चलते हैं कि बड़ी गाड़ियों का 1800 किलोमीटर लगभग वापसी से पटना के लिए भाई लगेगा, यही सीन है भाई अभी। और आप लोग भाई जानते ही हो 31 तारीख है आज, आज है भाई अक्टूबर का लास्ट दिन, तो भाई चलते हैं भाई सोने, सुबह देखते हैं जो भी होगा व्यू, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।